तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी माँ दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तु ते। ओम एम हरिम कलिम चुमुंडाय विचे ओम ग्लो हुम कलिम जूम सह ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम हरिम कलिम चुमुंडाय विचे ज्वल हाम साम लाम क्षाम फट स्वाहा। पार्लियामेंट इलेक्शन दे रही रामगढ़ काशी चू सीच जेड़ा आज दफ्तर दा से उद्घाटन कीता एदे च सारे चाहिदे पार्टी दे प्रदेश दे उपाध्यक्ष और सारे सीनियर लीडर मानयोग सारे पार्टी दे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता सारे टीडीसी साहब किसान मोर्चा दे और सारे बहुत ही मेहनती इत्थे दे पार्टी दे जितने सीनियर साथी मेरे तरफ तुसे सारे बहुत बहुत नमस्कार है। साथियों बड़ी चर्चा सारे सारे साथी इत्थे कीती है भारतीय जनता पार्टी 2024 दे लोकसभा इलेक्शन लई पूरी तैयारी करने पूरे जम्मू कश्मीर कम कर दिया एक दौर हा कि जम्मू बीजेपी का गढ़ होता है जिले अस जम्मू की गल करने ओदे च जम्मू सांबा कठुआ उधमपुर रियासी ए बैल्ट जिहड़ा बीजेपी का बड़ा कट्टर और पक्का इलाका होंदा हा पंडित प्रेम नाथ डोगरा साहब ठाकर बलदेव सिंह जी ऋषि कुमार कौशल साहब प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता साहब और लाला शिवचंद गुप्ता साहब ये सारे पार्टी दे वो मजबूत स्तंभ होंदे हे जिन्हें बड़ी मेहनत करी है दया कृष्ण कोतवाल साहब वैद विष्णु दत्त साहब और मुश्किल दौर च अगर बीजेपी दी अलख जम्मू कश्मीर च जगदी रही वो सारा ए बैल्ट हा। और साथियों आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग काम कर दे गए कार्यकर्ता मेहनत कर दे गए कर दे गए कर दे गए और एक दौर आया कि खनूर का पुल पार होइए रजौरी पुंछ विच बीजेपी का कमल का फुल खिड़िया एक दौर आया उधमपुर पत्नीटाप का पहाड़ टपिए रामबन डोडा कश्तवाड़ बीजेपी का कमल का फुल खिड़िया ते साथियों मैं अपने अखें कने दिखाना कि वक्त आई आ कि पनार दा टनल टपिए कश्मीर विच भी फुल खिड़िया फुल खिड़ने आ रहा है पूरे कश्मीर विच मैं दिखाना जिथे जिथे अस जाने श्रीनगर बारामूला अनंतनाग उड़ी करना जिस इलाके च झंडा चुकने का कोई नाम होता है सारा उस एरिए च बीजेपी दियां रैलियां चला दियां और तूफान रैलियां उदा इको कारण है जेड़े काम मोदी साहब ने
पिछले दसे साले च कीते ए ओदा परिणाम। गरीब लोकें ही मकान बनाई दिते, एक एक पंचायत च सरपंच साहब किन्ने मकान थोड़े पंचायत च आए होने और जनाब 100-100 मकान और मुंसिपल लीग ने 800 मकान खाते से 6-6 हजार गरीब लोग की 1000-1000 पेंशन ये बॉर्डर का एरिया आर्मी के लोग जादन बन रैंक बन पेंशन कुत्थे गया जेड़ा जय हिंद सलूट साढ़े वारी भैया बन पेंशन 70 साल साढ़े फौजी लड़ते रहे लेकिन बन रैंक ते बन पेंशन मोदी सरकार ने लाई और ओदे कन्ने कन्ने हर बंदे दी जेब च गोल्डन कार्ड भी है मजदूर है रेड़ी वाला फड़ी वाला सरकारी मुलाजिम है गोल्डन कार्ड एक एक साल इलाज मोदी सरकार ने सांबे च पूरे इंडिया च एक एम्स होता है कुछ दिल्ली एम्स हॉस्पिटल दिल्ली और दुआ एम्स बनिए कुछ तैयार हो सांबा सांबा जिले च एम्स बने जनाब कोई निकी गल नहीं है एक कोई निकी गल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज जेड़े रिंग रोड़ा हाईवे एक्सप्रेस हाईवे तुहाड़े सांबे च दिखो किन्ने फ्लाईओवर एक्सप्रेस हाईवे अज रेल कश्मीर जा दियां कुछ सोचा हा ए सब योगदान ए डेवलपमेंट दा कुसे कीता ए मोदी सरकार इंडिया छोड़ो सारे तो प्रधानमंत्री जी ने जेड़े दुनिया के दुए मुल्ख जिले मोदी साहब अमेरिका जाते हैं इंग्लैंड जर्मनी जापान फ्रांस रूस अभी राती जिले मोदी साहब का जहाज उतरदा उस देश की दुनिया आई जाती है दिख दिखो भाई मोदी सरकार कहना है सारे प्रधानमंत्री जी लोग दिखना चाहते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति जापान रूस का जर्मनी का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया च हिंदुस्तान का डंका बजादा उदा कारण मोदी साहब आज ग्राएं पिंडें डेवलपमेंट होवा दी न सड़क बने दी न जगह जगह काम होवा दे न बिजली पानी हॉस्पिटल ये मोदी साहब की देन है अज गरीब लोगों कने भला होवा दा ये मोदी सरकार दी देन है और उसे दा नतीजा कि जम्मू होए या कश्मीर हिंदू होए या मुसलमान सिख होए या ईसाई महिला होए या पुरुष बुजुर्गों या बच्चे सब एक रस्ते को लाइन पर चली गए। इलेक्शन आज डेट है 2 मार्च अज साढ़े को लगभग एक महीना रही एक महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने तुसें ही कोई दूई पार्टी का लभद है दिखा कोई कोई नेता आवे दा इत्थे छड्डो रामगढ़ के आना कोई सांबा आया हुआ है कोई बामनावाड़ी क्रास की कोई सतवारी चौक पार किया हुआ है आज वो टाइम आई है कांग्रेस वाले अपना उम्मीदवार एक की बुला देना तू तैयारी करो आखिर ना दूए आखिर नहीं नहीं तू करो आखिर ना त्रिये आखिर तू कर ते जेड़ा इन्हें सारे आखिर ना सारे मिल आखिर ना एक काम कर तू कर आखिर ना नहीं एक ने आखिर के वोट मोदी देनी फिर जब लाड़ी मेरी आखिर ये मोदी
एक बंदा नेता हा कांग्रेस का आखदा उसकी लाड़ी ने आख्या कि असें वोट मोदी पाना भरावा मी दुनिया ने कोथे पाना एक एक कार जाना पड़ा ये जो पार्टी के कार्यकर्ता रामगढ़ ये नहीं दिखना केड़ी पार्टी के लिए चलता हा साले के लिए चलता हा नहीं चलता हा और फिर जेड़ी गल साले मान योग सलाथिया साहब ने आखी कोई नया पुराना अपना बगाना नहीं है सब सारे न जिन्हें एक बार बीजेपी का पड़का पाई लिया जिन्हें घर झंडा लाई लिया तो साड़ी जिंद जान उहदे पिछे है फिर अपना पराया नहीं हुंदा एक बार जाइए तो दिखो मैं कॉलेज पढ़ता हा कॉलेज रजौरी सनाया सनाया नहीं साथिया साहब साथिया साहब है मिनिस्टर बड़े मिनिस्टर है और सारा डिस्ट्रिक्ट हा रजौरी तो मैं कॉलेज पढ़ता ये उत्थे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग और फिर जाते हैं जो 26 जनवरी झंडा चाड़ते ते मैं कॉलेज का NCC का कमांडर हुंदा हा टोपी लाई है जैन साहब जी ये आइए जी उत्थे मैं गया सलूट मारिया श्रीमान जी आपके निरीक्षण के लिए परेड तैयार है श्रीमान सजा कौशल से और श्रीमान और भी पाग सटी दी दाने आखे चलो भाई चलते चलते ने दिखा भाई बंदा बड़ा ही परेड ठीक करा दा फिर करिए अच्छा बाद जिले प्रोग्राम खत्म होता आखे दियो इनाम दियो ये लगे मी इनाम देन इन्हें मी जफा सटिया फोटू शोटू असें खिंचे दा उस जमाने दा अस बचपन थूए ए दुई लाइन थोड़ा जन संगीत असें जाइए आखे भाई ये बंदा तो सारे टीवी का मेंबर होना चाहिए दुई साइड कुछ चली गया बंदा बड़ी पुरानी गल सुना असें पता लाना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग जदों उस जमाने च होंदी ही बड़ा उदों बड़ा गहमा गहमी माहौल होंदा हा असें केह करना जैसे ही इन्हें काली धार का पहाड़ पार करना असें अगे खड़ोई जाना मोर साड़ी फुले रही ही अस इन्हें स्वागत करते हैं फुलपा जी फुलपा चेक करो बो करो आख लगे कि भाई अस कई पूछते हैं अपने बीजेपी वाले इन्नी फुल बरखा की करा दे असें आख्या देखो ये गुड़े सलाखिए दे गुड़ा सलाखिया कट्टर एक जमाने च प्रजा परिषद ठाकर बलदेव सिंह जी महाराजा हरि सिंह साहब मास्टर ध्यान सिंह जी इनको खड़ा हा मैं क्या कुते ना कुते कटानू बोल लेनी कम जारी रखो शरण आज बोले साल है बाद दाऊ त्राऊ चाऊ पंजे बोल बोले बोले ना ऐसा खैर दान है देंदे पाने दिए जी लेकिन एक इन्नी सिफत होंगी ही काम इन कोई ले जाना इन्हें आखना लो हूँ जल्द अस बनीए MLA ते मैं क्या साहब हूं उल्लै सलूक सटिया हूं या जफा पाओ ते जफा वैसे ही सारा बड़ा मशहूर है ते जनाब ओदे बाद जल्द पार्टी ने अध्यक्ष बनाया फिर अस पुजिए मैं कहा सलाथिया साहब हाथ पकड़ लिया एक दिन मी आदे चंगा तू मी सलूट मारिया आज मी तू ही मारना पा मैं तुझे ता कहानी सुनाई है ये नहीं दिखना ये पुराना पहले कुथे हा ये सोचो कि कब्जा किस तरह करना है ते कब्जा प्यार कने हो सकता गुस्से नफरत कने हो सकता प्यार प्यार कने भगवान राम जी ने जिले लंका जगे गए उन्हें विभीषण जेड़े रावण का भरा हा वह खिंची लिया इधर आ गया
फिर एक बार 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 अब की बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में यहां हमने सभी 5 की 5 पार्लियामेंट की जो सीटें हैं वहां पार्लियामेंट सीटों पर हमने ऑफिसेस खोले। अब हमने सभी 90 की 90 जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के नुक्ते नज़र से हमने अपने ऑफिसेस खोले हैं। आज यहाँ बॉर्डर के ज़िला सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में इस रामगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट का इलेक्शन के नुक्ते नज़र से यहाँ ऑफिस का उद्घाटन किया है। लोगों में ज़बरदस्त जोश उत्साह है और मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा के चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। पहला 5 तो पार अस करने तो बाकी पंजाब ही कर देंगे। ये आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन ऑफिस रामगढ़ में खोला गया है, जिसमें आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी और महामंत्री डॉक्टर मनियाल जी और चंद्र प्रकाश गंगा जी और तमाम हमारे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के तमाम साथी जो हैं और जो हमारे VDC के चेयरमैन हैं, DDC के चेयरमैन हैं और तमाम सरपंच और पंच यहाँ पे आज इस दफ्तर में आए हैं और आज से इस दफ्तर का काम जो है वो शुरू किया जाएगा और इसमें जो भी लोगों की मुश्किलात होगी, जो भी काम होगा, यहीं से कैंपेन ऑफिस चलेगा इस रामगढ़ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। सांबा जिला में हमारी रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज असेंबली का कार्यालय जो है इलेक्शन ऑफिस यहाँ खोला है। इस ऑफिस का विधिवत रूप से उद्घाटन हमारे अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी, जैसा अभी आपने देखा ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, विधिवत रूप से उन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसी कार्यक्रम में उनके सभी हमारे तीनों मंडलों के मंडल के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बंधु और हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माता शक्ति यहाँ आई थी और उम्मीद है कि इस कार्यालय का लोगों को भी फायदा होगा और आने वाले समय में जो एक मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 के पार फिर एक बार मोदी सरकार का नारा जो है वो कामयाब रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।